राधे राधे दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 7 चैप्टर 13 मोशन एंड टाइम। ओके, तो मोशन एंड टाइम का हम लोग का मेजरमेंट ऑफ टाइम का बेसिक्स हम लोग देख लिए थे। ओके, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिंपल पेंडुलम के बारे में। ठीक है, इसको बहुत ही डीपली और बहुत ही अच्छे से समझेंगे। इसमें कोई बहुत बड़ा सा चीज नहीं, ये भी बहुत इजी सा टॉपिक है, आप लोग को सब समझ में आएगा, बस वीडियो के एंड तक बने रहना। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम तुरंत स्टार्ट करते हैं हम लोग का सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम, ओके, द वर्किंग ऑफ क्लॉक्स इज रैदर कॉम्प्लेक्स। घड़ी जो काम करता है वो बल्कि बहुत ही ज्यादा जटिल होता है। उसके काम को देखना कि कैसे वो हर मिनट पे चलते रहता है, हर सेकेंड पे घूमते रहता है, ये थोड़ा सा जटिल है, ये थोड़ा सा हार्ड है, जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। बट ऑल ऑफ देम मेक यूज ऑफ सम पीरियोडिक मोशन। लेकिन जितना भी क्लॉक्स यूज करते हैं हम लोग, सारा का सारा जो होता है वो पीरियोडिक मोशन के बेसिस पर काम करता है। अब पीरियोडिक मोशन किस तरह का गति होता है, तो वो हम लोग का बिल्कुल ऐसा, इस तरह की गति को हम लोग पीरियोडिक मोशन कहते हैं, या इसी को हम लोग ऑसिलरी मोशन भी कहते हैं। अभी इस पूरे में हम लोग इसी मोशन के बारे में पढ़ेंगे। या इसका एक और एग्जांपल है कि आप लोग अगर झूला झूलते हो, ठीक है, एक पॉइंट से आप लोग स्टार्ट करते हो, फिर आप लोग पीछे जाते हो, फिर आगे आते हो, फिर पीछे जाते हो, फिर आगे आते हो, तो इस तरह के मोशन को हम लोग पीरियोडिक मोशन या ऑसिलरी मोशन कहते हैं। ओके, तो क्लॉक्स जो होता है वो पीरियोडिक मोशन से काम करता है। वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन पीरियोडिक मोशन इज दैट ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। और जो सबसे एकदम सामान्य पीरियोडिक मोशन के बेसिस पर जो काम करता है वो होता है हम लोग का सिंपल पेंडुलम। ओके, अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट्स ऑफ अ स्मॉल मेटल बॉल कॉल्ड बॉब व्हिच इज सस्पेंडेड बाय अ लॉन्ग थ्रेड फ्रॉम रिजिड सपोर्ट सच दैट द बॉब इज फ्री टू स्विंग बैक एंड फोर्थ का मतलब होता है आगे पीछे। ओके, तो अभी हम लोग जो होता है वो सिंपल पेंडुलम के बारे में बात करने वाले हैं। सिंपल पेंडुलम जो होता है वो क्या का बना होता है, तो वो एक स्मॉल मेटल बॉल का बना होता है। आप लोग फिगर देखना, ये जो है फिगर हम लोग का, वो ये सिंपल पेंडुलम है। सिंपल पेंडुलम में क्या होता है, सिंपल पेंडुलम में एक नीचे एक मेटल बॉल होता है जिसको कि हम लोग बॉब कहते हैं। इस मेटल बॉल को हम लोग बॉब कहते हैं। अब यही मेटल बॉल जो होता है वो एक धागा, वो एक लंबा धागा की मदद से लटकता रहता है, और जिस सपोर्ट से वो लटकता है उसको हम लोग कह सकते हैं कोई रिगिड सपोर्ट। ठीक है, तो इस सपोर्ट से ये लंबा सा धागा जो होता है वो लटकते रहता है, और इसके नीचे धागा के सबसे नीचे मेटल बॉल होता है, मतलब एक तरह का बॉब होता है। ओके, तो एक सिंपल पेंडुलम जो होता है वो एक छोटे से मेटल बॉल का बना होता है जिसको कि हम लोग बॉब कहते हैं, जो कि बिल्कुल थ्रेड के नीचे एक रिजिड सपोर्ट से लटका हुआ होता है। और ये बॉब जो होता है, मतलब ये जो मेटल बॉल है वो बिल्कुल फ्री होता है स्विंग करने के लिए, झूलने के लिए, आगे पीछे होने के लिए ये बिल्कुल फ्री होता है। अब आप ही लोग देख लो, यहाँ पे ये लटक रहा है, अगर इसको हम जरा सा भी टच करते हैं तो वो आसानी से आगे पीछे की तरफ मूव करता है। ओके, सो ये एक तरह का हम लोग का सिंपल पेंडुलम है जिसकी की ऊपर में सपोर्ट होता है, और उसी सपोर्ट से एक थ्रेड नीचे गिरा हुआ रहता है, और उस थ्रेड में हम लोग का मेटल बॉल होता है, और उस मेटल बॉल को हम लोग बॉब कहते हैं। तो सिंपल पेंडुलम यही तीन चीज से बना होता है, रिकेट सपोर्ट, लॉन्ग थ्रेड और मेटल बॉल, जिसको कि हम लोग बॉब कहते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक और ऑसिलरी मोशन। टू एंड फ्रो मोशन का मतलब होता है आगे पीछे की गति, है ना, स्विंग में भी तो यही होता है, आगे पीछे की गति। तो सिंपल पेंडुलम में ये जो टू एंड फ्रो मोशन होता है, आगे पीछे का जो गति होता है, वो हम लोग का एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही कॉमन सा एग्जाम्पल होता है पीरियोडिक मोशन का, पीरियोडिक या ऑसिलरी मोशन का। पीरियोडिक या ऑसिलरी मोशन का हिंदी होता है आवर्ती। ठीक है, इसका हिंदी होता है हम लोग का आवर्ती। तो एक सिंपल पेंडुलम
होता है वो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल होता है पीरियोडिक मोशन का। अब पेंडुलम कंप्लीट्स एवरी स्विंग और एवरी ऑसिलेशन इज एग्जैक्टली द सेम टाइम प्रोवाइडेड इट्स लेंथ शुड बी केप्ट कांस्टेंट। देखो अब जितना लंबा, देखो जितना लंबा तुम उसका धागा करोगे ना उतना ही पीछे की तरफ ये जाएगा और उतना ही आगे की तरफ ये जाएगा। मतलब जितना लंबा धागा रहेगा, जितना बड़ा धागा का लेंथ रहेगा उतना ही ये इधर साइड जाएगा और उतना ही ये इधर साइड जाएगा। जैसे कि अगर इसका धागा हम लोग का 5 मीटर का है, ठीक है, तो ये आगे की तरफ अगर झूलेगा तो ये 5 मीटर ही जाएगा और इधर से भी अगर ये जाएगा तो 5 मीटर ही जाएगा। मतलब इसका जो लेंथ होता है थ्रेड का वो इसके आगे पीछे जाने वाला जो होता है, मतलब ये चीज हो गया आप लोग का और ये जो यहाँ से यहाँ जा रहा है ये दोनों पॉइंट आप लोग का सेम होता है। ये अगर 5 मीटर है आपका धागा तो इधर साइड भी जितना जाएगा वो होगा 5 मीटर, ठीक है, इसमें यही चीज कह रहा है। और एक और चीज आप लोग ध्यान देना, ये हम लोग एक सिंपल पेंडुलम है जो कि बिल्कुल एक जगह पर स्थित है, लेकिन ये जो होता है वो मोशन है, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम है। सिंपल पेंडुलम का ये गति है कि इस गति में ये काम करता है, ठीक है। तो ये सिंपल पेंडुलम है फिगर और ये मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम है। देखो यहाँ पे ऐसा स्विंग कर रहा है ना, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, the pendulum is said to have completed one oscillation when its box starting from its mean position O moves to A to B and back to O. अब ये जो pendulum होता है उसको हम लोग one oscillation कब करेंगे? One oscillation मतलब हो गया कि एक चक्कर को लगाएगा, ऐसा हम लोग उसको कब करेंगे? तो इस चीज को ध्यान से देखना। मान लो ये हम लोग का बॉब है, मेटल बॉल है, ये यहाँ से यहाँ गया जाता है और ये यहाँ से यहाँ जाता है, जिसको कि हम लोग ऐसा आप लोग देख सकते हो। ओके, यहाँ से वो वन ऑसिलेशन कब कंप्लीट करेगा हम लोग ये चीज देख रहे हो। ओके, तो ये यहाँ से स्टार्ट करेगा, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, ये अपने मीन पोजिशन ओ से स्टार्ट होगा, फिर ये जाएगा ए पे, ए पे जाने के बाद फिर ये जाएगा बी पे, अंदर फिर बी से ओ पे जाएगा, तो हम लोग इसको कहेंगे कि ये वन ऑसिलेशन कंप्लीट कर चुका है, ठीक है। इतना बार ड्राइंग हो गया है, ठीक है, ये बॉब हो गया, ये तो ये अपने मीन पोजीशन ओ से स्टार्ट करेगा, ए पे जाएगा, ओके, ए से फिर ये बी पे जाएगा, एंड फिर बी से ये फिर से ओ पे आएगा, तो इसको हम लोग कहेंगे वन ऑसिलेशन। ओके, ओ से ए पे गया, ए से बी पे गया और बी से जब वो फिर से ओ पे आएगा तो इसको हम लोग कहेंगे वन ऑसिलेशन। ओके, यहाँ पे भी वही चीज लिखा हुआ है कि पेंडुलम को हम लोग तब कहेंगे कि वो वन ऑसिलेशन को कंप्लीट किया है जब उसका जो बॉब होता है वो अपने मीन पोजिशन ओ से स्टार्ट करेगा और फिर मूव करेगा ए पे, इसके बाद फिर वो जाएगा बी पे एंड बैक टू ओ, और इसके बाद फिर से वो ओ पे जाएगा, ठीक है। मतलब ओ मतलब मीन पोजीशन ओ से स्टार्ट किया, फिर वो ए पे गया, फिर वो बी पे गया एंड देन फिर वो ओ पे गया, तो इसको हम लोग कहते हैं वन ऑसिलेशन। ओके, द पेंडुलम आल्सो कंप्लीट्स वन ऑसिलेशन व्हेन इट्स बॉब मूव्स फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन बी एंड कम बैक टू ए, ठीक है। अब हम लोग इसको तब भी वन ऑसिलेशन कहेंगे जब ये ए से स्टार्ट करेगा और बी पे जाएगा, ओके, एंड देन फिर रिटर्न बी से ए पर जाएगा, तो इसको भी हम लोग वन ऑसिलेशन कहेंगे। सो द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड इस टाइम पीरियड। तो पेंडुलम के द्वारा ये जो मूव कर रहा है, ये पेंडुलम के द्वारा जो भी टाइम लग रहा है एक ऑसिलेशन को कंप्लीट होने में, चाहे वो 2 सेकेंड हो चाहे वो 3 सेकेंड हो, तो उसी को हम लोग कहते हैं टाइम पीरियड। यहां से मान लो ये ए से स्टार्ट किया, ठीक है, और ए से स्टार्ट करके फिर वो रिटर्न बी पे गया, फिर वो ए पे गया, तो इसको हम लोग वन ऑसिलेशन कहेंगे। अब इसके बीच का जो जिसमें ये मूव कर रहा था उस टाइम को हम लोग कहेंगे टाइम पीरियड, ठीक है। और यहाँ पर एक और बात जो कि आप लोग को ये समझना होगा कि ये जहाँ वन ऑसिलेशन हम तब भी कहेंगे जब
जहां से वो स्टार्ट किया हो दोबारा वहीं पे आके खड़ा हो जाएगा, तो उसको हम लोग कहेंगे वन ऑब्जर्वेशन। ये तरीका होता है जानने का। ओके, तो ये शॉर्टकट हो गया कि ये जहां से स्टार्ट करेगा और वहां फिर से आ जाता है, तो उसको हम लोग कहेंगे वन ऑब्जर्वेशन और कुछ नहीं है। द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ। द लेंथ ऑफ अ पेंडुलम इज द लेंथ ऑफ द ट्रैक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन टू द सेंटर ऑफ द बॉल। वही चीज हम लोग कहे थे कि ये जो इसका जितना लंबाई होगा ये उतना ही इधर और उतना ही इधर जाएगा। ओके, तो जो टाइम पीरियड होता है पेंडुलम का वो हम लोग का डिपेंड करता है उसके लेंथ पे। तो इस तरह से हम लोग का सिंपल पेंडुलम था। आई होप यू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इजी था। ओके, हम लोग को बस इस फिगर को देखना है और फिगर को देख कर ही समझना है। ये मोशन है सिंपल पेंडुलम का और ये एक सिंपल सा सिंपल पेंडुलम है। ठीक है, तो क्लॉक्स भी हम लोग का पीरियोडिक मोशन के बेसिस पर ही काम करता है। ठीक है, तो ये सिंपल पेंडुलम हम लोग को इतना ही पढ़ना था। आप एक नोट्स लिख सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।